कार्तिक मास का छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसी नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसे कन्या उत्पन्न हुई है, जिसके पति आप भगवान हुए हैं। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगनी बनी और गरुड़ पर बिठाकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वृतांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए तो वो हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वह दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ी रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा, मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा, मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया।
और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते हैं। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गए, तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया, तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।